तो मेरे जान सबसे पहले तो ये बताओ कि नया सेटअप कैसा लग रहा है, और कोई ये नहीं बोलेगा कि ये फेक है। खैर वो सब चलता रहेगा, अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। और मुद्दा है प्रोजेक्ट के से प्रभास का फर्स्ट लुक। एक बात बताऊं, मैं इस वीडियो को बनाते वक्त काफी ज्यादा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि अगर तुम प्रभास के डाई हार्ड फैन हो तो शायद तुम्हें मेरी कोई बात चुभ सकती है भाई, क्योंकि डाई हार्ड फैन अक्सर सच सुनने के बाद थोड़ा पगला जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर तुम प्रभास के हेटर हो और इस पोस्टर को ट्रोल करने के इरादे से इस वीडियो पे आए हो तो भी शायद तुम्हारे हाथ निराशा ही लगेगी। तो कुल मिला के अपने को दोनों ही तरफ से गालियां खानी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर तुम लोग इस पोस्टर को लेके सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने आए हो और सच सुनने आए हो तो फिर तुम लोग बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस पोस्टर को देख के लिटरली मुझे क्या फील हुआ वो तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मुझे वैजयंती मूवीज से एक चीज पूछनी है भाई, तुम लोग कौन से टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हो? कल दीपिका का पोस्टर 5 बजे बोल के रात को 10:30 बजे निकाला, और आज तो प्रभास के पोस्टर पे तुमने मिनट्स और घंटे के साथ ही साथ सेकंड्स और मिलीसेकंड तक इतने कॉन्फिडेंस से लिखी हुई थी कि लग रहा था कल की तरह हमारा कटेगा तो बिल्कुल नहीं, और माल टाइम पे आ ही जाएगा, तुमने अपलोड कर रखा है, बस पब्लिक करना बाकी है। लेकिन फिर से तुमने ट्वीट करके सॉरी बोल दिया। मेरी जान एक चीज समझो, नॉर्मल ऑडियंस एक बार को एडजस्ट कर लेगी तुम्हारी इन हरकतों को, क्योंकि उनको सिर्फ एंजॉय करना होता है। लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स को तुम्हारी ड्रॉप के बाद वीडियो भी बनानी होती है, और हम तुम्हारी ड्रॉप के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल सेट करते हैं। मैं लिटरली अपना लंच छोड़ के बैठा था इस पोस्टर के चक्कर में, तो प्लीज आगे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी डालो यार टाइम पे डालना, वरना इतने कॉन्फिडेंस से पोस्टर पे मिली सेकंड तो बिल्कुल मत लिखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर अब आते हैं प्रभास पे और प्रभास के फर्स्ट लुक पे। इस पोस्टर के आने के बाद इस मूवी को लेके काफी बातें शुरू हो गई हैं, थोड़ी पॉजिटिव और थोड़ी नेगेटिव भी। लेकिन अगर बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, मुझे पोस्टर कैसा लगा, तो हाँ मेरी भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये पोस्टर्स इसके पिछले पोस्टर से अंडरवेलमिंग तो है, लेकिन मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ इस मूवी को लेके अभी भी। उसके पीछे जो रीजन है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। पहले इस पोस्टर के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो इस पोस्टर की मेन प्रॉब्लम है इसकी एडिटिंग, और आदिपुरुष के आने के बाद आम जनता भी मूवी के पोस्टर्स और VFX में कमियां निकालने के लिए बैठी हुई है, जो कि एक हद तक सही भी है और कहीं कहीं पे चीजें ओवर हो जाती हैं। लेकिन अब जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, आदिपुरुष आ चुकी है, डैमेज हैज बीन डन। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स प्रभास को भी झेलने पड़ेंगे और उनकी आने वाली मूवीज को भी झेलने पड़ेंगे। आदिपुरुष के बाद ट्रोलर्स को अब मौका मिल चुका है बीच में कहीं पे भी अल्लू अर्जुन को घुसेड़ देने का, तो ट्रोलर्स तो बाज नहीं आने वाले हैं। और यही वजह भी है कि अभी ओम राउत के या प्रभास के कोई भी प्रोडक्ट के आने के बाद उसको अच्छे से बारीकी से जज किया जाता है मार्केट में, फिर चाहे वो कोई मूवी हो या फिर कोई पोस्टर ही क्यों ना हो। और वही हो रहा है इस पोस्टर के साथ भी। इस पोस्टर में भी लोग आदिपुरुष के पोस्टर्स की छवि देख रहे हैं, लेकिन एक मूवी एंथुसियास्ट की नजरों से एकदम न्यूट्रल होकर अगर मैं बात करूं तो पोस्टर की एडिटिंग देख के साफ लग रहा है कि भाई ये काम जल्दबाजी में किया गया है, इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरी मेकर्स को एक एडवाइस है कि प्लीज जब भी कोई पोस्टर या ग्लिम्स मूवी की निकालें तो वो अच्छे से पॉलिश करके ही निकालें और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ निकालें, क्योंकि अब जनता एक्सक्यूजेस से थक चुकी है। वो ये नहीं सुनने वाली कि हो सकता है मूवी आते आते CGI सही हो जाए। आदिपुरुष देखने के बाद उनका पेशेंस हिल गया है, और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। और प्रोजेक्ट के साथ तो मेरी पर्सनली काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, और उन उम्मीदों पे प्लीज पानी मत फेर देना यार। आप जिस तरह से चीजों को अनाउंस करते हो लेकिन फिर वो टाइम पर नहीं आती तो उससे आपका अनप्रोफेशनल बिहेवियर थोड़ा पता चलता है, ठीक है। और उससे ये भी लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट अभी एडिटिंग टेबल से भी गुजर रहा है, तो क्यों सलार की हाइप का फायदा उठाने के चक्कर में आप अनफिनिश्ड माल निकाल रहे हो? अरे तुम उसको प्रॉपर फिनिश करके लेके आओ यार, प्रभास के नाम पे अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाएगा वो। बाकी अगर बात करें इस पोस्टर की एडिटिंग के अलावा इसमें प्रभास के लुक की, तो वो मुझे काफी सही लग रहा है। इन माई पर्सनल ओपिनियन लॉन्ग हेयर्स के साथ बियर्ड होती है तो ज्यादा सूट करता है वो लुक। बट जैसा कि इस सीन को देख के लग रहा है कि ये सीन किसी फाइटिंग सीक्वेंस के बीच का सीन है, तो अगर इस कैरेक्टर के फेस पे एक दो चोट वोट के निशान और डाल देते तो और ज्यादा मजा आ जाता। हो सकता है तुम्हें मेरी ये प्रेफरेंस ठीक ना लगे, बट इट्स परफेक्टली फाइन, तुम्हारी पसंद अलग हो सकती है, ये मेरी पसंद है। खैर हमारी काफी थ्योरी सही भी होती नजर आ रही है मूवी के बारे में, प्रभास के कैरेक्टर के बारे में। प्रभास के लुक को देख के लग रहा है कि ये मूवी एक काइंड ऑफ सुपर हीरो मूवी ही होने वाली है। और पोस्टर में बैकग्राउंड में हम कुछ डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं, जो कि ये कंफर्म करने के लिए काफी हैं कि इस मूवी की टाइमलाइन में अर्थ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और ये मूवी एक प्रॉपर डिस्टोपियन इरा पे ही बेस्ड होगी। प्रभास इसमें एक साईफाई सुपर हीरो का कैरेक्टर ही प्ले करेंगे। ये बात इस कैरेक्टर के सूट को देख के साफ बताई जा सकती है। इस सूट के फैब्रिक मटेरियल को अगर गौर से देखोगे तो इस सूट के डिजाइनर की मेहनत साफ नजर आ जाएगी, और अगर तुम्हें वो मेहनत देखनी है तो जाके बिहाइंड द सीन वाली फुटेज देखो या मेरी फिर ये वाली वीडियो देख लो, तो भी शायद तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन वही बात है कि पोस्टर के एडिटर ने थोड़ा मामला गड़बड़ा दिया है। और हाँ, कुछ लोग इसको फिर से ड्यून की कॉपी बोलने लगे हुए हैं भाई, तो उनके लिए कल वाली वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख लेना। उसमें मैं यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। एट द एंड प्रेजेंटेशन मैटर्स। मूवी का स्क्रीन प्ले अगर अच्छा हुआ तो अगर
पूरे के पूरे सीन भी कॉपी पेस्ट मार दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मूवी काम कर जाएगी। बाहुबली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ही खराब हुई तो फिर रामायण जैसी अच्छी खासी कहानी भी कब सत्यानाश होकर आधे पुरुष बन जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं तुमसे और खुद से बस एक ही चीज कहूंगा कि एक पोस्टर से अभी मूवी को जज करना सही नहीं है। आदि पुरुष के टाइम पे किया था हम लोगों ने, मैंने भी किया था, लेकिन वहां पे कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, यहां पे कॉन्टेक्स्ट एंटायरली अलग है। यहां पे ऑलमोस्ट दारोमदार मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स के ऊपर होगा। तो अभी फिलहाल सैन डिएगो कॉमिक कॉन का वेट करते हैं 21 जुलाई रात 1 बजे, तब तक बी पॉजिटिव। लेकिन रुको भाई, रुको, कहां जा रहे हो, कुछ और बात भी करनी है। अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अकेली बाहुबली प्रभास की मूवी ही नहीं जा रही है, बल्कि इंडिया से अपने भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबाती की मूवी भी गई है, और उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। और वो मूवी है राणा दग्गुबाती के अपने होम प्रोडक्शन स्प्रिट मीडिया की मूवी हिरण्यकश्यप। इस मूवी की स्टोरी वेल नोन राइटर डायरेक्टर त्रिविक्रम लिख रहे हैं, और इस खास मौके पे उन्होंने कहा, I am honored to share this story of timeless legends for audience today. This meticulous process of crafting this captivating narrative has already commenced, and we eagerly await the opportunity to translate this excitement into the big screen. तो हाँ, वो इस कहानी को लेके काफी ज्यादा excited हैं, और अब हमें राणा दग्गुबाती पर्दे पे राक्षस राज हिरण्यकश्यप का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। और इस मूवी के बारे में हम काफी पहले से सुन भी रहे थे, और अपनी अपकमिंग पौराणिक मूवीज की लिस्ट वाली इस वीडियो में भी मैंने इस मूवी को शामिल किया था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये मूवी हमें हिरण्यकश्यप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है तो उसके अपने बेटे प्रहलाद के और भगवान विष्णु को लेके इस मूवी में क्या नैरेटिव दिखाया जाएगा, और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को लेके इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। खैर, ये मूवी भी काफी बड़े स्केल पे बनती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही राणा दग्गुबाती ने मलयालम सुपर हीरो मिन्नल मुरली के प्रोड्यूसर्स के साथ भी हाथ मिलाया है, और इन दोनों के जॉइंट वेंचर का पहला प्रोडक्ट होगा मिन्नल मुरली एक कॉमिक्स कैरेक्टर। जी हाँ, मिन्नल मुरली अब इंडियन कॉमिक्स मैगजीन टिंकल में एक सुपर हीरो के कैरेक्टर के तौर पे ऑफिशियली जुड़ गया है, और अब हमें इसके कॉमिक्स भी पढ़ने को मिलेंगी। खैर, तो तुम लोगों का क्या सोचना है प्रोजेक्ट के बारे में, हिरण्यकश्यप के बारे में और मिन्नल मुरली कॉमिक्स के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।